Good morning, student. Myself, Miss Sonali, ma'am. I am teaching you subject botany of BSc first year. In BSc first year, the first chapter is that is the microbes and plant diversity. In microbes and plant diversity, अपन ने HIV का structure क्या होता है ये अपन ने देखा है. That is the HIV, that is the human immunodeficiency virus. HIV का long form क्या है? Human immunodeficiency virus. तो आज अपन देखने वाले हैं कि वो जो virus है वो एक person से दूसरे person में या एक human being से दूसरे human being में कैसे transmit होता है. ठीक है, तो HIV is transmitted इन थ्री वेज. ठीक है, तो फर्स्ट वे है दैट इज द अनसेफ बायसेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सेकेंड वे है दैट इज द बाय ब्लड ट्रांसमिशन थ्रू नीडल्स और ब्लड प्रोडक्ट. और थर्ड वे है दैट इज द बाय द पैसेज ऑफ फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. ठीक है, जो HIV ट्रांसमिशन है तो कितने वे से ट्रांसमिटेड होता है? First, that is the unsafe by sexual contact. मतलब आप जब sexual contact perform करते हैं तो वहाँ पर आपको precaution नहीं लेते हैं, और एक से ज़्यादा sexual contact अगर आप perform करते हैं तो वहाँ पर HIV transmission ज़्यादा से ज़्यादा quantity में हो सकता है. Second है that is the by blood transmission. मतलब blood जो है, जब आप blood एक सपोज़ एक्सीडेंट हो गया तो आप एक्सीडेंट में उस पर्सन को ब्लड चाहिए होता है. अगर उस ब्लड को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, तो ट्रांसमिट कैसे करेंगे? थ्रू इंजेक्शन नीडल्स, उसके थ्रू वो आप ब्लड उसको उसके बॉडी में ट्रांसमिट कर रहे. ठीक है, ब्लड डोनेट कर रहे. तो अगर इन्फेक्टेड ब्लड होगा, अगर वो डोनेट हो गया, ट्रांसमिट हो गया, उसके थ्रू भी आपको HIV हो सकता है. ठीक है, और थर्ड है बाय द पैसेज ऑफ फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. मतलब जो मदर है, अगर मदर को HIV पॉजिटिव होंगी वो, तो वो चाइल्ड में भी वो ट्रांसमिट हो जाएगा. मतलब इट इज़ द जेनेटिकल डिसऑर्डर बोल सकते हैं उसको. अगर मदर को है तो चाइल्ड को भी हो सकता है. ऑल्दो होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट रिमेन्स अ मेजर सोर्स ऑफ HIV विद इन द यूनाइटेड स्टेट, हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमिशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ HIV स्प्रेड वर्ल्ड वाइड टूडे. यूज ऑफ प्रॉपरली स्टरिलाइज ब्लड प्रोडक्ट एंड डोनर स्क्रीनिंग हैज इसेंशियली इलिमिनेटेड द रिस्क ऑफ HIV फ्रॉम कंटेमिनेटेड ब्लड फ्रॉम प्रोडक्ट इन डेवलप्ड कंट्री. But its spread continues among the intravenous drugs user who share the needles. मतलब maximum country में ऐसा होता है कि जो HIV transmission है वो किसके through होता है? Needles के through. जो मतलब एक suppose person है, उसको injection दिया है और उसको sterilize नहीं किया गया, वही blood, वही injection अगर अपन दूसरे person को देते हैं तो HIV ट्रांसमिशन मैक्सिमम क्वांटिटी में थ्रू नीडल्स थ्रू ट्रांसमिट होता है. इन डेवलपिंग कंट्री द ब्लड एंड डोमिनेटेड नीडल्स रिमेन्स इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ इन्फेक्शन. 13-35% ऑफ प्रेग्नेंट वुमन इन्फेक्टेड विथ HIV वुड पास द इन्फेक्शन ऑन देयर बेबीज. ट्रांसमिशन ऑकर इन यूटेरस एज वेल एज ड्यूरिंग द बर्थ. मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है तो उसमें HIV ट्रांसमिशन कैसे होता है? ऑब्वियसली नीडल्स थ्रू भी हो सकता है. और जनरली क्या होता है कि मतलब जो मदर है, मम्मी से जो चाइल्ड को, बेबी को हो सकता है, ठीक है, तो वो जनरली कहाँ पे होता है? बोला है कि जो मदर का यूटेरस होता है ड्यूरिंग दी बर्थ, उस यूटेरस में HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड होता है.
breast milk infected mother has been shown to contain high levels of the virus also. ठीक है, मतलब जो मदर है अगर वो मिल्क चाइल्ड को दे रही है तो वो मिल्क इज द मेजर ट्रांसमिशन ऑफ द मदर टू चाइल्ड. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मिल्क प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम मदर टू बेबी, तो उस ब्लड थ्रू उस मिल्क थ्रू एचआईवी ट्रांसमिशन मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है. एचआईवी इज नॉट स्प्रेड बाय द फेशियल ओरल रूट्स एरोसोल इंसेक्ट और कैजुअल कॉन्टैक्ट सच एज शेयरिंग हाउस होल्ड आइटम्स और हगिंग्स. ओके, मतलब जनरली क्या होता है कि एचआईवी ट्रांसमिशन फ्रॉम प्रेग्नेंट लेडी टू मदर ट्रांसमिट हो सकता है, बट वो आप जो जनरल एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे आप हाथ मिलाना है, किसी से बात करना है, वो इंसेक्ट थ्रू भी वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है. ठीक है, और ओरली आप किसी से बात कर रहे हैं उसके थ्रू भी आपको एचआईवी नहीं होगा. ठीक है, मतलब बहुत से लोगों की रॉन्ग कंसेप्ट है कि एचआईवी बात करने से होता है, कुछ इंसेक्ट में से होता है, कुछ हाउस होल्ड जो आइटम्स है उसको शेयरिंग से होता है. दैट इज़ द रॉन्ग कंसेप्ट. ओके, द रिस्क टू हेल्थ केयर वर्कर इज़ प्राइमरी फ्रॉम डायरेक्ट इनकोलेशन बाय नीडल स्टिक्स. ऑल द सलाइवा कंटेन्स द वायरस, इट कैन नॉट बी स्प्रेड बाय किसिंग. ओके, मतलब जनरली आप उसको बोल सकते हैं वो किसिंग से भी ट्रांसमिट नहीं होता है. ठीक है, किसी के साथ में शेयरिंग से भी ट्रांसमिट नहीं होता है. और इन्फेक्टेड मदर होंगी तो चाइल्ड को वो ट्रांसमिट हो सकता है. ठीक है, बेबी को वो ट्रांसमिट हो सकता है. तो एचआईवी ट्रांसमिशन मेनली सिर्फ तीन वे से होता है. ठीक है, फर्स्ट है अनसेफ बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेकंड है बाय ब्लड ट्रांसमिशन बाय नीडल्स, एंड थर्ड है फ्रॉम प्रेग्नेंट लेडी और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. दैट इज़ द मेन वे ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन. अदरवाइज आप किसी से बात करेंगे, किसी का आइटम्स या कुछ यूज कर रहे, किसी से बात करें, उसके थ्रू भी आपका एचआईवी ट्रांसमिशन नहीं होता है. ओके, थैंक यू सो मच.